हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रियलमी वायरलेस ईयरबड का बैटरी सेक्शन ओपन करके और यहाँ के वायरिंग के बारे में मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारी जो वायर ब्रेक हो गई है, वायर कौन कौन सी कहाँ लगेगी ये दिखाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में आने वीडियोज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों सेम प्रोसीजर है ओपन करने का, मैंने इसी प्रोसीजर को ओपन कर चुका हूँ और मैं इसका वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मैंने इसे ओपन कर लिया था, फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि हाँ बैटरी सेक्शन पे वीडियो बनाना है। तो सेम प्रोसीजर है जैसा आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं रियलमी वायरलेस ईयरबड पे, तो उसी प्रोसीजर से ये वाला ओपन होगा। और इसको जो है बस आपको हल्का हल्का ट्विस्ट कर करके खोलना है ऐसे ही, ऐसे कटर से। ध्यान रखिए आपको कटर इस्तेमाल करना है, कटर से ये आसानी से ओपन हो जाएगा। अब जो है इसकी बैटरी पे जो हल्का डबल साइड टेप लगा हुआ है, तो ऐसे इसको खींचना नहीं है हमें, तो इसमें जो है आप इसमें थोड़ा सा हल्का आईपी डाल दीजिए, ताकि जो है टेप जो है थोड़ा सा उसका ग्लू सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद जो है ऐसे टूल से और वायर को थोड़ा बचा के इसको पुश करना है ऐसे, ध्यान रखिए थोड़ी देर बाद करना है। पुश करने के बाद आपको निकाल लेना है ऐसे, ये हल्का सा खींच सकते हैं, ये पहले से ही खुला हुआ है इसलिए इतनी आसानी से खुल गया, पर आप अगर पहली बार खोल रहे हैं तो ध्यान से धीरे धीरे खोलिए। तो बैटरी सेक्शन देख सकते हैं आप, इसमें जो है एक जैसे हमारी ट्रिपल ए बैटरी आती है उस तरह की जो बैटरी है रिचार्जेबल लगी हुई है, और इसके जो वायरिंग है यहाँ पर है तो स्क्रीन पर मैं आपको सारी वायरिंग की डिटेल दे दूंगा, क्योंकि जो है मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ तो इतना जूम इन नहीं हो पाता है, तो सारी स्क्रीन पर आपको वीडियो इसमें वायरिंग की डिटेल मिल जाएगी। और इसकी बैटरी है और इसी साइड से इसकी जो है मैग्नेटिक स्विच का भी जो वायरिंग यहाँ से जाती है, ध्यान रखिए। और इसमें जो यहाँ पर है आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा बहुत, तो इधर जो है बैटरी की जो है गोल्डन वायर माइनस की है बैटरी की, और रेड वायर जो है पॉजिटिव है बैटरी की, और यहाँ पे ब्लू वायर है। ये जो ब्लू वायर है ये एनटीसी की है, ब्लू वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एक ग्रीन वायर है यहाँ और ब्लैक वायर है, ये ध्यान रखिए कि ब्लैक वायर लेफ्ट माइनस की है, ग्रीन वायर जो है लेफ्ट प्लस की है, और ये जो है एच ए एल यानी एच ऑन की है, मतलब ये स्विच की है, और इधर जो है अलग है एच जो है यहाँ पर एच ए एल लिखा हुआ है, शायद इधर एच ऑन लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए कि ये वायर वहीं पर जुड़ती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो ईयरफोन है दोस्तों ये डेड है और इसमें सिर्फ रेड लाइट जलती है, तो ये रिपेयर नहीं हो पाई है, तो मैंने सोचा बैटरी सेक्शन पे वीडियो बना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और आपको इसकी वायरिंग देख के कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिल जाएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।